वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि रिया चक्रवर्ती फाइनली अरेस्ट हो चुकी हैं एनसीबी के जरिए। जी हाँ, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, स्वागत है आप सभी का और मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि फाइनली ये खबर आ चुकी है कि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई हैं। जी हाँ, यहाँ इस वक्त ये खबर आई है और उसके कुछ ही देर बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर जाया जाएगा सायन के एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनका COVID-19 का टेस्ट होगा और फिर उन्हें कोर्ट में 6 बजे से पहले पेश किया जाएगा उनकी रिमांड के लिए, उनकी कस्टडी के लिए। मैं आपको बता दूं कि कई उतार चढ़ाव आने के बाद रिया ने कई कोशिशें की कि वो अपना साइड जो है एनसीबी को बताएं, जिससे कि वो एनसीबी को गुमराह कर पाएं, लेकिन फाइनली एनसीबी के जो स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक इस बात का पता लगा ही लिया कि यस, रिया चक्रवर्ती वॉज इन्वॉल्व। रिया ने खुद कन्फेशन कर दिया है अपना। जी हाँ, और खुद के कन्फेशन के बाद कोई इसको बचता ही नहीं है नेगेटिविटी के लिए, और ऐसे में रिया चक्रवर्ती को लेकर ये फुल एंड फाइनल खबर आ चुकी है कि यस, रिया हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द एनसीबी। और हालांकि बाकी के जो केसेस है, चाहे वो ईडी का हो, चाहे वो बिहार पुलिस में जो केस है, या फिर वो सीबीआई का केस हो, वो सब चल ही रहा है, लेकिन हाँ, ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती हैज़ बीन अरेस्टेड। और सिर्फ रिया नहीं, मैं बता दूँ आपको कि इससे पहले आपको सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, श्रविक चक्रवर्ती, 3 पेडलर्स, ड्रग पेडलर्स, ये सभी लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अब रिया चक्रवर्ती बचते बचाते ही सही, लेकिन कई अरसों बाद ही सही, लेकिन फाइनली रिया चक्रवर्ती हैज़ बीन अरेस्टेड। अब आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर, ये आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।